हेलो फ्रेंड, आज मैं एक सीलिंग फैन का वायरिंग आप कैसे करें वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सीलिंग फैन का वायरिंग कर सकते हो और कोयल भी बांध सकते हो और रनिंग के, तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए सीलिंग फैन का ये सेलिंग फैन का जो मेन हिस्सा होता है पार्ट वो वाला, उसके अंदर देखेंगे आपको खांचा बना हुआ रहता है इस तरह से सब में। खांचा बना हुआ रहता है, अब देखेंगे। आपका खांचा बना रहता है और इसमें भी आपका एक ऊपर में खांचा बना रहता है, अब देखे होंगे। सेम खांचा बना रहता है, इसमें जो खांचा इतना खांचा है इसमें भी इतना खांचा रहता है। इसमें जितना खांचा है इसमें 16 खांचा, इसमें 16 खांचा रहता है, फिर इसमें 24 खांचा, घसी में इसमें खांचा रहता है। तो इसे वायरिंग करने के लिए आपको 35 नंबर का तार लगेगा। आप इसे कॉपर से बांध सकते हो, एल्युमिनियम से बांध सकते हो, सेम 35 नंबर से आप बांध सकते हो। तो इसे बांधने के लिए आपको किस प्रकार का आपको बांधना है, ये हो गया आपका रनिंग कॉयल जो अंदर में है, वो हो गया रनिंग कॉयल, और जो बाहर में है हो गया आपका स्टार्टिंग कॉइल। आप इसे बांधें कैसे, तो इसके लिए बांधने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इसे बांधिएगा तो पहले आपको रनिंग कॉइल को ही आपको बांधना पड़ेगा, अंदर का ही पहले आपको बांधना पड़ेगा। तो आपको बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक सिरा आपको इधर से लेना पड़ेगा, देख पा रहे होंगे, आपको एक सिरा इधर से लेना पड़ेगा, इसको आपको एक सिरा छोड़ के उसके बाद जब इस पर राउंड करोगे, इस पर राउंड करोगे आप, जिधर से राउंड करना है इधर से अगर आप राउंड करोगे, इधर से राउंड करोगे तो आपको इसमें से आपको 360
रनिंग में आपको 360 देना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में आपको 340 देना पड़ेगा। तो आपका ये स्टार्टिंग हुआ, तो इसमें आपको 360 पर आपको घुमाना पड़ेगा इधर से। जब इस पर 360 हो जाएगा, उसके बाद इस प्रकार से आपको ला के इधर से घुमाना पड़ेगा, इसका ओपोजिट साइड उल्टा। जब इस पर 340 हो जाएगा, उसके बाद इधर से आपको इस तरह से राउंड करना है। इधर से 340 घुमा के इस पर फिर आपको इस तरह से राउंड करना है। इस पर राउंड करने के बाद आपका जब पूरा हो जाएगा, आपको इस तरह से राउंड करना है। इस पर का राउंड करने पर आपको पूरा राउंड करने के बाद आपको 340 340 सब में टर्न लगा देना है। 340 टर्न लगाने के बाद आपको जब पूरा हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे हम किस तरह से आपको टर्न लगा रहे हैं, उसी प्रकार आपको टर्न पूरा में लगा देना है 340 करके। 340 करके जब टर्न लगा दोगे, अब देखिए यहाँ पर एक सीधा इधर से गया था और मेरा इधर से एक सीधा निकल गया, मेरा दो पॉइंट निकल गया, इधर से एक पॉइंट और इधर से एक पॉइंट। जब ये मेरा 340 टर्न मेरा स्टार्टिंग में हो गया रनिंग में, अब इसको स्टार्टिंग में 360 टर्न लगाना है। तो सेम इसी प्रकार से एक पॉइंट इधर से रखेंगे, एक पॉइंट इधर से निकालें और इस पर हम 360 टर्न लगा दिए। 360 टर्न लगाने के बाद इस पर आप मेरे को 360 लगाना पड़ेगा, 360 इसमें भी। इसी प्रकार से मेरे को टर्न लगा के पूरा में टर्न लगा देना 360। जब मेरे को पूरा 360 टर्न सब में ओके हो जाएगा लग के, देख पा रहे होंगे हम किस तरह से टर्न लगा रहे हैं। और इसी प्रकार के 360 टर्न आपको लगा के फिर इधर से एक पॉइंट निकल के आएगा, मेरा चार पॉइंट निकल गया सीधा, चार, दो स्टार्टिंग का और दो रनिंग का। इसी प्रकार के आपको 360 स्टार्टिंग में और रनिंग में 340, 20 टर्न का डिफरेंट रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 360 टर्न रहने पर स्टार्ट पे जब झटका लेता है तो इसका ज़्यादा भविष्य वायरिंग कैसे करें। तो आपको एक स्टार्टिंग का लेना था, कोई एक तार ले लो, और एक रनिंग का, दोनों को एक में जोड़ दो, यह हो गया आपका कॉमन तार। और एक स्टार्टिंग का यह हो गया मेन लाइन, आपका मेन लाइन, और ये कॉमन। और आपका जो कंडक्टर आता है, कंडक्टर आता है इसमें आपका दो तार निकलता है। आप इसमें से एक स्टार्टिंग रनिंग में रख दीजिए, जोड़ दीजिए, आपको जो कलर का तार देना है, पीला देना है, लाल देना है, हरा देना है। और आपका एक जो कॉमन निकला, इसमें आपको एक तार जोड़ देना है, और इसमें से आपका एक तार इधर से निकलेगा, और एक मेन लाइन स्टार्टिंग में हो गया, और ये कंडक्टर से एक तार निकला, दो तार आपका
मेन पॉइंट पे आ जाएगा, बोर्ड तक आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कॉइल को बांध सकते हो और अपना कॉइल रेडी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।